दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं कि कोई देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता और वो तब से लापता हो गया। 35 सांसद एक होटल के अंदर जाते हैं और अपना नया राष्ट्रपति चुन लेते हैं। भीड़ अगले दिन नया राष्ट्रपति चुन लेती है। बहुत सारे पूर्व नेता जो जेल में बंद थे, जिनको सजा हो चुकी थी अदालत के द्वारा, किसी को 10 साल की, किसी को उम्र कैद की, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उनको उनके समर्थक जेल से रिहा करवा लाते हैं। अब केवल पब्लिक ही खुद की सुरक्षा कर रही है, वहां पर पब्लिक ही आत्मनिर्भर बनी हुई है। तो ये क्या है सारा मुद्दा और कौन सा देश का राष्ट्रपति है लापता और किस देश में हो रही है इमरजेंसी, तो आइए मेरा ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सारी बातें डिटेल में। हाँ तो मेरे दोस्तों, बात यहां पर आज मैं करने वाला हूं किर्गिस्तान की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे किर्गिस्तान जो है वो मध्य एशिया का देश है। 1991 में यूएसएसआर से अलग होके, यानी सोवियत संघ के अलग होकर ये एक नया देश बना था। यदि आपको नहीं पता कि सोवियत संघ का खात्मा कैसे हुआ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक वीडियो का डाल रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा का यूएसएसआर का खात्मा कैसे हुआ। तो 1991 में किर्गिस्तान अलग हुआ और जैसे कि कोई नया मुल्क बनता है तो नॉर्मल सबके माइंडसेट रहता है कि बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी और देश उन्नति पे आएगा। इसके लिए वहां की जनता ने 3 बार प्रोटेस्ट भी करा। ये प्रोटेस्ट 2005, 2010 और अभी हाल फिलहाल 2020 में चल रहे हैं। तो ये तीनों प्रोटेस्ट के अंदर वहां की जनता चाहती थी कि एक सुदृढ़ प्रजातंत्र वहां पर आए, लेकिन आज की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, बिल्कुल बंदरबाट की स्थिति बनी हुई है। जो वहां पे बाहुबली नेता है वही वहां पे राज कर रहा है। जिसके पास जितनी भीड़ होगी लोग उसी के समर्थन में रहेंगे। आज कंडीशन यह है कि लोगों को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ रही है। लोग अपने मॉल्स, अपनी दुकानें, अपने घर सब की सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं। काफी वहां पे अफरा तफरी और अराजकता का वातावरण आया हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 2020 में। 4 अक्टूबर 2020 को किर्गिस्तान में होता है वोटिंग और वहां के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जीनबेको कहते हैं कि जो वोटिंग हुई है काफी अच्छी हुई है और वहां पे 16 पार्टियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और काफी प्रभावी ढंग से ये वोटिंग करी गई और इसे इक्वल सबको मौके दिए जाएंगे। लेकिन ये भ्रम शाम होते होते टूट गया, क्योंकि जब रिजल्ट आया 4 अक्टूबर की शाम को, तब पता चला कि 12 पार्टी, जी हां 12 पार्टियों में से किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं मिला और बची हुई 3 पार्टियां उनमें से को वोट दिए गए, जो जीनबेको की समर्थक, फॉलोवर या पिछलू पार्टी कही जा सकती है। तो वहां पर लोगों का गुस्सा फूट गया और लोगों ने वहां पर हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए। इसमें एक दुखद 19 साल के बच्चे की भी मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी हिंसक प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसक हो गए जैसे ही उस बच्चे की मौत हुई। तो जैसे ही उस बच्चे की मौत हुई, प्रदर्शन काफी हिंसक हो गए। इससे वहां के जो इलेक्शन कमीशन है, जी हां कजाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने खुद ही वहां के जो ऑफिशियल चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, उसको कैंसिल कर दिया। तो अभी ऑफिशियली देखा जाए तो वहां पर कोई राष्ट्रपति है नहीं, लेकिन जो राष्ट्रपति जीनबेको वो खुद वहां से फरार हो गए या लार हो गए, और फरार होने के बाद कुछ सूत्रों के मुताबिक माने तो वहां पर वो रशिया के पास में है। तो रशिया का इन्फ्लुएंस यहां पर हमेशा रहेगा और चीन का भी यहां पे हमेशा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चीन के साथ भी शेयर करता है। तो वो वहां से लापता हो गए और अब स्थिति ये बनी हुई है कि कितने ही भूतपूर्व कुख्यात जो नेता थे उनको उनके समर्थक जेल से छुड़वा लाए हैं जबरदस्ती। और हालिया घटनाक्रम में 6 अक्टूबर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना भी हुई। 35 सांसदों ने मिलकर एक होटल के अंदर एक मीटिंग बुलाई और उसके अंदर अपना एक राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही जनता को पता चला कि एक नया राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हुआ है, जनता वहां पे पहुंच गई और होटल में उपद्रव करना शुरू कर दिया। तो किसी का कोई राज नहीं रह रहा है। जिसके पास जितनी, अगले दिन कुछ और समर्थक आए, उन्होंने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। मीडिया में, विदेशी मीडिया में बात भी काफी फेमस हो गई है कि कैलेंडर में जैसे तारीख बदलती है वैसे राष्ट्रपति बदल रहे हैं। तो काफी अराजकता का वातावरण है, लोग अपने नेताओं को जेल तक से छुड़ा के ला रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति भी इसमें जेल से बाहर आ गए हैं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। अब बात कर लेते हैं वहां पर भारत के एंगल की। भारत का कजाकिस्तान एक अच्छा मित्र राष्ट्र कहा गया है।
लेकिन भारत अभी इसमें न्यूट्रल स्थिति बनाए हुए हैं और रशिया का इन्फ्लुएंस हमेशा यहां पर रहेगा क्योंकि रशिया से ही अलग हुआ हुआ है कजाकिस्तान। तो रशिया चाहता है इसमें एक मीडियोकटर की भूमिका निभा रहा है, पहले बेलारूस के अंदर, फिर अजरबैजान के अंदर, और तीसरा जो सरदर्द आया है नया वो बात, क्या यह रशिया का भी हाथ हो सकता है कि बेलारूस और अजरबैजान और अब तीसरी इतनी अशांति फैली हुई है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन वहां के बुद्धिजीवियों के द्वारा दिया जा रहा है, वो सॉल्यूशन यह है कि संसद एक आपात सत्र बुलाए और आपात सत्र बुलाने के बाद वहां पर जो राष्ट्रपति जीनबेको जो अभी लापता हैं उन्हें बुलाया जाए और उनके खिलाफ उनको इस्तीफे की मांग करी जाए और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और तब तक के लिए वहां के स्पीकर को एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जो जीनबेको हैं उन्होंने रशिया से वहां पे इमरजेंसी अप्लाई कर दी है। जी मैं कह रहा हूं वो लापता हैं इसलिए कि उनकी एक्चुअल लोकेशन नहीं पता, लेकिन उन्होंने रशिया से इमरजेंसी लागू कर दी है। अभी चल रही इमरजेंसी, वहां के लोगों के हालात इस तरह खराब हैं कि उनको जो डेली रूटीन की चीजें हैं उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब इसमें आपको कजाकिस्तान के लोगों का भी दर्द समझ में आ गया, जीनबेको का भी एंगल समझ में आ गया कि वो अपनी राष्ट्रपति को नहीं छोड़ना चाहते, और इसमें रशिया का एंगल भी समझ में आ गया क्योंकि वो चाहता है कि उसका पड़ोसी मुल्क है तो उस पर उसका इन्फ्लुएंस बना रहे। चीन भी विस्तारवादी नीतियों के कारण यहां पर बना हुआ है। पर सॉल्यूशन भी है कि एक संसद बुलाई जाए और स्पीकर को नॉमिनेट किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी इशू ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन प्रभुत्व करे, कौन नेता बने और ये सारा का सारा मामला निपटाए, क्योंकि अभी तो वहां चल रहा है जो जितना बाहुबली उसकी उतनी बड़ी सरकार। मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आप मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो चैनल बनता है मेरे।